आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे पता है दोस्तों, बहुत लोग मतलब 2-3 बच्चों का मैसेज आया था कि सर थोड़ा सा एक तो आवाज़ में प्रॉब्लम है। तो मुझे पता है एक्चुअली क्या है यार, मेरा माइक ख़राब हो गया। वो 15,000 रुपये का माइक है। मेरे पास 2 माइक है, आपको बता दो। वैसे एक 20,000 रुपये का है रोड का, और एक 15,000 रुपये का ब्लू येती। प्रॉब्लम रोड मैंने डिजिटल बोर्ड के लिए लिया था, लेकिन डिजिटल बोर्ड में भी टाइम है, और जो ब्लू येती का है वो ख़राब हो चुका है। एक्चुअली कल कनेक्ट ही नहीं हुआ, परसों से प्रॉब्लम आ रही है। परसों नहीं, नरसों से प्रॉब्लम आ रही है। उसका कनेक्टर ही ख़राब हो गया और अभी आने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो हो सकता है आज भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो। हालांकि सब मैं सिर्फ पीसी ही चल रहा है, बाकी सब मैं ऑफ करके लेक्चर कर रहा हूँ। और जहाँ तक जूम की बात है, बिल्कुल सही है। अरे एक्चुअली पिछला ही पेपर था, उसी का मैंने PDF बना ली। अभी जो अभी नेक्स्ट PDF मिलेगी वो बिल्कुल स्कैन होकर मिलेगी। और अब मैंने जूम कर दिया, ठीक है ना। मैं पूरा लैंडस्केप गलती कर दी थी मैंने पिछले 2 लेक्चर में, वो प्रॉपर जूम्ड नहीं था। तो आप ये कर सकते हो कि एक तरफ PDF खोल लो, तो आप ये प्रॉपर जूम इन कर दिया मैंने। आई होप आपको कोई दिक्कत होगी। लेकिन इस बार के मतलब जो 2019 के पेपर्स होंगे, ठीक है, 2019, 18, 17, 16, 15, 14, वो बहुत बढ़िया होंगे। मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो थोड़ा सा चेंज ये है कि मैं आज तो चलो ठीक है, आज तो ये जो यहाँ पर हम लोग 54 तक तो कर चुके थे, 55 से करना था जहाँ तक मुझे याद है। तो अब इसके बाद क्या करेंगे हम कि मैं एक दिन में ही 2 सेट करूंगा। मतलब कल 2019 के पूरा 2019 कंप्लीट करूंगा 2 सेट में। तो उसका जो सेट 1 है वो दोपहर में आएगा, और सेट 2 शायद रात या शाम तक आए। ओके, तो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम। तो 55, अब ये बताओ IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन अभी बोला कि इन इंडिया वाई आर सम न्यूक्लियर रिएक्टर्स केप्ट अंडर IAEA। 55 क्वेश्चन है, 55वां क्वेश्चन है। अब इसके आप ऑप्शंस देखो। देखो एक चीज़ बता दूं कि सबसे पहले तो UPSC जिन्होंने कोर्स परचेस किया है, जो फाउंडेशन में तो सबको फ्री मिल रहा है, लेकिन जिन्होंने कोर्स परचेस किया है, याद रखना कि ये क्वेश्चन आपको तब तक सही समझ नहीं आएंगे जब तक आपको कुछ आइडिया नहीं होगा, आप लगा नहीं पाओगे। तो मैं इतना तो समझ के चल ही रहा हूँ कि जिन्होंने परचेस किया उनको एक अच्छा खासा या चलो कुछ तो आइडिया है ही है, थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही हुआ है। और जिन्होंने नहीं भी पढ़ा हुआ है उनको भी आइडिया मिल जाएगा। मतलब जो बिल्कुल बिगिनर्स है उनको एक आइडिया मिल रहा है कि अच्छा इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं तो ये पूरा का पूरा ये एक तो इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक है। IAEA हमेशा ही हमें देखते हैं कि ये न्यूज़ में रहता है। तो अब ये बोला है, अब पहला देखो, सम यूजेस यूरेनियम एंड अदर यूजेस थ्योरियम। देखो इसमें सवाल पूछा है 55 कि इन इंडिया भारत में जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं वो IAEA सेफगार्ड्स के अंदर हैं और कुछ नहीं है, अदर्स आर नॉट। कुछ हैं, कुछ नहीं है। अब इसको अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो पहले तो यहाँ पे फुल फॉर्म ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स की बात है, लेकिन अगर आपको IAEA का फुल फॉर्म ही नहीं पता है तो आप समझ ही नहीं पाओगे क्या है ये। टोटल 22 ऑपरेशनल रिएक्टर्स है भारत में, जिसमें 14 जो हैं वो IAEA के अंदर हैं, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी एसोसिएशन बोल देता है, एजेंसी है ये। और बाकी जो हैं दे आर नॉट। अब अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की, तो रिएक्टर्स इसके अंडर इसीलिए रखी जाती हैं, ये एक तरीके से वॉचडॉग है, इंटरनेशनल न्यूक्लियर एनर्जी वॉचडॉग है। 2014 में ये स्टेप लिया गया था। देखो भारत, अगर भारत का न्यूक्लियर प्रोग्राम देखो तो भारत का न्यूक्लियर प्रोग्राम, भारत सबसे पहले तो अभी तक भारत ने NPT साइन नहीं की है, ना ही CTBT साइन की हुई है, क्योंकि भारत को डिस्क्रिमिनेटरी मानता है। और हम एक न्यूक्लियर पावर हैं, जिन्होंने NPT साइन की हुई है वो क्या करते हैं, वो कोई न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर सकते। अब हम IAEA का मतलब ये है कि देखता है कि भाई जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वो पीसफुल पर्पसेस के लिए यूज हो रहा है कि नहीं, ये काम है उसका। तो इसमें पहला ऑप्शन है सम यूजेस यूरेनियम एंड अदर यूजेस थ्योरियम। दूसरा ऑप्शन है सम यूज इंपोर्टेड यूरेनियम एंड अदर यूज डोमेस्टिक सप्लाईज, ठीक है। अब ये वाला जो ऑप्शन है, B वाला, अगर आप इसमें देखो Some uses imported uranium and other uses domestic supplies। भारत अपनी न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल पीसफुल पर्पसेस के लिए करेगा। 2014 में ये स्टेप लिया गया था। और अब दोस्तों हुआ क्या कि भारत के पास यूरेनियम नहीं है, तो भारत इंपोर्ट करता है यूरेनियम और कुछ डोमेस्टिक सप्लाई के अंदर आता है। तो जो भारत बाहर से इंपोर्ट करता है, बाहर से इंपोर्ट करने का मतलब क्या है कि भाई वो सही तरीके से यूज हो रहा है कि नहीं। अभी भारत रशिया, कजाकिस्तान, कनाडा से यूरेनियम खरीदता है और कुछ डोमेस्टिक में लेके आता है। तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन का यही बोलना है कि जो भाई भारत बाहर से आप यूज करते हो उसको पीसफुल पर्पस के लिए यूज करना और किसी चीज के लिए। तो बी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन इसमें आप कॉमन सेंस यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसमें आपको IAEA का मतलब पता होना चाहिए सबसे पहले। तो हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि इंपोर्टेड यूरेनियम, हम यूरेनियम जो है, एनर्जी जो है वो वैसे भी बाहर से इंपोर्ट करते हैं। अब देखो सी, देखो सम आर ऑपरेटेड बाय फॉरेन एंटरप्राइजेस, ये तो बिल्कुल ही सही गलत बात है। फॉरेन एंटरप्राइज, कोई भी न्यूक्लियर रिएक्टर फॉरेन एंटरप्राइज कैसे बाहर से ऑपरेट नहीं हो सकता है। सम आर स्टेट ओन्ड एंड अदर आर प्राइवेटली ओन्ड, कोई भी न्यूक्लियर रिएक्टर प्राइवेटली ओन्ड होगा नहीं। सो बी इज द एप्रोप्रिएट आंसर। ये सी और डी तो अपने आप ही, ये तो कोई सेंस ही नहीं बना रहे। 56 ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, ट्रिम्स की यहां पे बात की गई है। विद रेफरेंस टू ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, आपको ये बताना है। क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट्स बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स आर प्रोहिबिटेड। देखो पहले तो हम स्टेटमेंट से पहले ट्रिम्स समझो। आप सवाल से कूदने से पहले ये समझो, ये ट्रिम्स की बात कर रहा है, यानी कि ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट होता है ना, जो भारत में ट्रेड होता है उससे रिलेटेड। अब क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट्स बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स आर प्रोहिबिटेड, पहला सवाल, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, दे अप्लाई टू इन्वेस्टमेंट मेजर्स रिलेटेड टू ट्रेड इन बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। तीसरा, they are not concerned with the regulation of foreign investment। अब ध्यान से देखना, इसको आप कॉमन सेंस लगाओ। ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, पहला, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट्स एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स आर प्रोहिबिटेड। हम फॉरेन इन्वेस्टर्स पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, इंपोर्ट पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। ट्रिम्स WTO, भारत WTO का मेंबर है, ठीक है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन। अब होता क्या है, ये थोड़ा सा आप समझो कि मार्केट को बचाने के लिए, अगर आपने WTO के बारे में पढ़ा होगा तो मार्केट को बचाने के लिए हम काफ़ी चीज़ें यूज़ करते हैं। तो ट्रिम्स के तहत हम अपने मार्केट को बचाने के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस बिल्कुल लगा सकते हैं। यानी कि पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, कोई भी देश अपने मार्केट को बचाने के लिए, जैसे मान लो कि अब जैसे मोबाइल है, भारत में मोबाइल 10,000 का था, माइक्रोमैक्स का, भारतीय कंपनी थी, इधर चाइना का मोबाइल आया, जैसे ही चाइना का मोबाइल आया भारत के मोबाइल खत्म। तो अपने मार्केट को बचाने के लिए कोई भी देश क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस लगाएगा, तो ये तो वैसे भी सही है। तो स्टेटमेंट 1 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। दूसरा, दे अप्लाई टू इन्वेस्टमेंट मेजर्स रिलेटेड टू बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। देखो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। अब इसमें जो एग्रीमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है, इसमें गुड्स भी आती है, सर्विसेज भी आती हैं। लेकिन आपको बता दूं कि जो आर्टिकल 1 है एग्रीमेंट का, वो ये बताता है कि सर्विसेज नहीं आती हैं, ठीक है, गुड्स ही आती है। देखिए ज्यादातर इस तरीके के सर्विसेज, वैसे सर्विसेज तो WTO में कवर्ड होती है लेकिन ट्रिम्स में नहीं है। सो बी, इसमें गुड्स एंड सर्विसेज की बात की गई है, इसमें यहीं पर आप फंसेंगे। गुड्स एंड सर्विसेज ट्रिम्स के तहत नहीं आता है और यह बहुत बारीक डिफरेंस है, तो इसलिए इस सवाल को आपको सोच समझ के करना है। फिलहाल अगर पहला, आप इसमें से एक स्टेटमेंट आपको पता चल गया, यानी कि जिसमें पहला है, सेकंड तो होगा नहीं, मतलब ये या तो ए होगा या सी होगा, ठीक है। अब अगर मान लो आपको दूसरा पता चल जाए, मतलब ए, सी और डी तो होगा ही होगा, ठीक है, बी तो होगा नहीं। अब देखो, अब बहुत बढ़िया तरीके से आप इसको कर सकते हो। कैसे? जैसे बी में 2 दिया हुआ है, लेकिन बी में क्या 1 है? नहीं है। अगर एक भी 1 अगर आपका सही बैठ गया तो आपका 2 देखने की जरूरत ही नहीं, 2 अपने आप गलत हो जाएगा क्योंकि बी में 2 ओनली दिया हुआ है। आप समझ रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भाई देखो, पहला स्टेटमेंट आपने पकड़ लिया कि भाई ये तो सही है। अब जिस ऑप्शन में वन होगा वही तो सही होगा, तो या तो ए होगा सही या डी होगा सही या सी होगा सही, लेकिन बी तो हो ही नहीं सकता ना, इसमें तो सेकंड ओनली दिया है, तो सेकंड तो अपने आप ही गलत हो गया। बहुत बढ़िया। थर्ड, दे आर नॉट कंसर्न विद द रेगुलेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये हो ही नहीं सकता भाई, दे आर ऑलवेज WTO। भाई फर्स्ट और सेकंड देखो, फर्स्ट और सेकंड एक दूसरे से, अगर आप सेकंड को नहीं थर्ड सॉरी फर्स्ट अगर थर्ड को आप नकारोगे तो फर्स्ट कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा, तो भाई तीसरा तो होगा ही होगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की यहां पे बात हो रही है, तो 1 and 3 इज दी करेक्ट आंसर। खत्म, मतलब या तो ए होगा या सी होगा, इनफैक्ट ए और सी भी नहीं होगा, इसमें तो आप सीधा सी ही लगा सकते हो, क्योंकि देखो इसमें आप 1 तो होगा ही होगा, 2 यहाँ पे बी में 2 दिया हुआ तो 2 नहीं, अब 1 के साथ 2 है ये भी नहीं हो सकता है, और 1 2 ये भी नहीं हो सकता है, यानी कि अगर आपको यही पहला स्टेटमेंट पता चल गया तो अपने आप आंसर लगा लोगे, आपको बाकी स्टेटमेंट देखने की जरूरत ही नहीं है। ये ट्रिक होती है, यही स्टेटमेंट की ट्रिक्स होती है, इसी से ही आपको पकड़ना है। पहला पता चल गया, अब भाई पहला पता यानी कि जिसमें जिसमें 1 है वही होगा आंसर, लेकिन इसमें तो 2 भी आ रहा है, 1 and 2 2 ओनली, अब 2 ओनली वाला खाली एक ही ऑप्शन दिया हुआ है ना, तो यानी कि ये नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 1 नहीं है, और जिसमें 2 है वो नहीं होगा, समझ रहे हो, क्योंकि सेकंड वाले ऑप्शन में 2 only 2 दिया हुआ है, 1 तो होगा, हो नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि ये स्टेटमेंट तो सही है। ऐसे पता लगाते हैं, ये ट्रिक्स हैं, ये तो मैं बता चुका था ना, हाँ ये बता चुका था मैं। $57 यहाँ पे। If the RBI decide to adopt an expansionist monetary policy of the following, ये अभी मैंने लेक्चर भी लिया था YouTube पे, which of the following it would not do? अगर RBI expansionary monetary policy, ये expansionary मतलब क्या होता है? देखो, 2 तरीके की, एक contractionary और expansionary। Contractionary मतलब जब RBI पैसा खींचता है, अब जब RBI पैसा खींचेगा तो क्या करेगा? RBI पैसा खींचेगा, क्यों खींचता है RBI? अब मैं इसको आपको कंसेप्ट फिर से बताता हूँ भाई। देखो बाजार में है, अरे एक मिनट, बाजार में इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं यार, इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति तो बोलते हैं, महंगाई, हिंदी थोड़ी ठीक है, देख लेना। इन्फ्लेशन WPI CPI से नापा जाता है, हम CPI लेते हैं। अब इन्फ्लेशन जो है, ये सब मैंने यूट्यूब पर भी फ्री में पढ़ाया, देखिए उसी से सवाल आया है। इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन कब, अगर मान लो ज़्यादा होगा तो हमेशा RBI पैसा खींचेगा, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी, और अगर मान लो कम होगा, मान लो उसको लिक्विडिटी बढ़ानी है, इन्फ्लेशन बैलेंस रहता है, तो वो पैसा भेजेगा, जिसको कहते हैं एक्सपेंशनरी पॉलिसी। पैसा खींचेगा कैसे? जो रेट्स हैं उसको घटा के, ठीक है, सॉरी उसको बढ़ा के। अगर रेट्स बढ़ाएगा, भाई RBI का रेट्स बढ़ा रहा है तो लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे, पैसा अपने पास ही रखेंगे, इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना पड़ना, रेट घटा रहा है तो लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट मिले। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट देने के लिए की जाती है, और कॉन्ट्रैक्शनरी जब, जैसे रिसेशन, जैसे पैंडेमिक, तब। तो अब इसमें पहला है कट एंड ऑप्टिमाइज दिस SLR। अब ये SLR क्या है? NDTL आपने सुना है ना, नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटीज। भाई जो बैंक है उसको 4% जो पैसा है वो कैश रिजर्व रेशियो में रखना पड़ता है, ठीक है, और 20% के करीब वो SLR में। अब SLR सिक्योरिटी, गोल्ड, ये सब होते हैं, और बाकी 75, अब SLR कितना चल रहा है मुझे नहीं पता, 20% के आसपास होता है हमेशा। अब तो बाकी 75% बैंक का है, तो अब तो भाई ये कट एंड ऑप्टिमाइज SLR बिल्कुल सही बात है। कट एंड SLR कट करेगा ना, SLR कम रखेगा, बैंक को अपने पास कम रखना है, सिक्योरिटी, गोल्ड, तो क्या होगा? बैंक ये जो पैसा है वो आगे दे सकेंगे, इसका मतलब मनी सप्लाई बना रहेगा। तो पहला तो बिल्कुल सही है, पहला तो RBI करेगा, यानी कि सवाल बोल रहा है कि RBI करेगा क्या नहीं, तो ये तो बिल्कुल नहीं करेगा। इससे तो आप समझिए पैसा और जाएगा ना, तो ये तो नहीं करने वाला। इंक्रीज दी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। भाई अगर आप मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी इंक्रीज करोगे, MSF क्या होता है? RBI ओवरनाइट शेड्यूल्ड बैंक को पैसा देता है ओवरनाइट। जैसे मान लीजिए कि किसी भी बैंक को, अब पंजाब नेशनल बैंक को रातों रात जरूरत पड़ गई तो RBI रातों रात पैसा देगा, तो ये बोरोइंग फैसिलिटी है। हायर MSF रेट का मतलब होता है बोरोइंग जो है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी, तो ये तो बिल्कुल सही है, ये तो बिल्कुल नहीं करने वाला ये चीज़। कट द बैंक रेट एंड रेपो रेट, ये भी बिल्कुल नहीं करने वाला, मतलब ये करने वाला, हाँ ये करेगा। देखिए एक्सपेंशनरी पॉलिसी में सब घटाएगा, तो कट एसएलआर, कट बैंक रेट, ये बिल्कुल सही है, ये आरबीआई करेगा, लेकिन ये बिल्कुल नहीं करेगा। तो सेकंड इज दी करेक्ट आंसर, बी 1 एंड 2 तो आरबीआई करेगा। ओके, विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी आफ्टर 1991 इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बताओ कि भाई इसमें 1991 के बाद क्या हुआ है। वर्कर्स प्रोडक्टिविटी 2005 इंक्रीज्ड इन अर्बन एरियाज वाइल इट डिक्रीज इन रूरल एरियाज। वर्कर की प्रोडक्टिविटी जो है वो अर्बन एरिया में वो क्या कहते हैं कि शहर में ज़्यादा बढ़ी है, रूरल एरियाज़ में घटी है, ये बिल्कुल गलत है। वर्कर्स प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वर्कर्स प्रोडक्टिविटी जो है, एग्रीकल्चर भाई प्राइमरी सेक्टर है यार, और देश का, ये तो आप ऐसे भी ध्यान, इसको तो कॉमन सेंस लगा सकते हो, 60% जो है देश का नागरिक एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। तो भाई वर्कर्स प्रोडक्टिविटी गांव में ही तो एग्रीकल्चर होता है, तो घटी है, बढ़ी है भाई रूरल एरिया में, घटी का है, ये तो गलत हो गया। सेकंड, अब देखो फर्स्ट गलत हो गया, अब जिसमें 1 है वो नहीं होगा, यानी कि ए नहीं हो सकता, ठीक है, और डी नहीं हो सकता, यानी कि 3 एंड 4 और 3 ही देखो आप सीधा सीधा। लेकिन क्योंकि हम इसको डिस्कस कर रहे हैं तो हम बाकी स्टेटमेंट भी दिखेंगे। परसेंटेज शेयर्स ऑफ रूरल एरियाज इन दी वर्कफोर्स स्टेडली इंक्रीज, ये भी बिल्कुल गलत है। परसेंटेज शेयर ऑफ रूरल एरियाज वर्कफोर्स में डिक्रीज हुआ है, इंक्रीज नहीं हुआ है, ठीक है, तो ये भी गलत है। वर्कर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई है, भाई शेयर ऑफ रूरल एरियाज घटा है, ये वर्कफोर्स लोग ज्यादा काम कर रहे हैं लेकिन बेसिकली वो घटा है रूरल एरियाज में, ठीक है। तो 2 तो सही नहीं है, सेकेंड इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, तो बस बचा क्या, 3। इन रूरल एरियाज द ग्रोथ इन नॉन फार्म सेक्टर्स इकोनॉमी इंक्रीज, ये बिल्कुल सही बात है, रूरल एरियाज में नॉन फार्मिंग सेक्टर में ग्रोथ जो है वो इंक्रीज हुई है। और द ग्रोथ रेट इन रूरल एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज, रूरल एम्प्लॉयमेंट में जो ग्रोथ रेट ये भी डिक्रीज हुई है, ये भी बिल्कुल सही है। दोस्तों ये थोड़ा सा स्टैटिक है, जब तक आप इसको डेटा नहीं पता होगा तब तक आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसमें आप रिस्क ले सकते हैं कि अगर आपको 1-2 स्टेटमेंट भी पता है तो 3 एंड 4 इज दी करेक्ट आंसर, बी। 59 पे आइए। इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट टर्म डिलीवरी टू द एग्रीकल्चर सेक्टर, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स DCCB डिलीवर मोर क्रेडिट इन कंपैरिजन टू शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक एंड रीजनल रूरल बैंक्स। शॉर्ट टर्म क्रेडिट डिलीवरी की बात करें एग्रीकल्चर सेक्टर में, कृषि क्षेत्र में तुरंत पैसे देने की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक DCCB जो है वो ज़्यादा क्रेडिट देते हैं अगर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक या फिर रीजनल रूरल बैंक से आप कंपेयर करें। पहला स्टेटमेंट ये है, बोला इसमें करेक्ट कौन सा है, ये बिल्कुल सही है, वैसे आपको बता दूं, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक अगर शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर क्रेडिट की बात करें तो इसमें DCCB की ये डेफिनेशन ही होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको बनाया गया था, ज्यादा क्रेडिट नहीं देता है ये, ठीक है, ज्यादा क्रेडिट नहीं देता है। सबसे ज्यादा क्रेडिट जो है वो आपके शेड्यूल कमर्शियल बैंक ही देंगे, तो DCCB कॉर्पोरेट बैंकिंग जो है वो छोटा होता है रीजनल रूरल बैंक और शेड्यूल कमर्शियल बैंक से, इंपॉर्टेंट है ये, लेकिन ज्यादा क्रेडिट नहीं देगा, इट विल नॉट ऑफर मोर क्रेडिट। सो पहला तो गलत हो गया। Second, one of the most important function of DCCB is to provide funds to the primary agriculture credit society. भाई cooperative society है तो बिल्कुल primary agriculture credit society को ये बिल्कुल देगा, यही function है, यही definition है इसकी। तो 2 B is the correct answer. In India, under cyber insurance for individuals, which of the following benefits are generally covered? Addition to payment for the loss of funds and other benefits. भारत में जो साइबर इंश्योरेंस दिया जाता है, बहुत टफ सवाल है ये, साइबर इंश्योरेंस दिया जाता है, ये भाई कौन पढ़ के जाएगा, इसमें से कौन से बेनिफिट जो हैं वो दिए जाते हैं। इन एडिशन टू पेमेंट फॉर लॉस ऑफ फंड्स तो दिया जाता है, बाकी भी बेनिफिट्स दिए जाते हैं। इसमें आप थोड़ा सा देखते हैं, हम कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि नहीं इसमें। तो इसमें सबसे पहला है कि कॉस्ट ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इन केस ऑफ मालवेयर डिसरप्टिंग एक्सेस टू वन कंप्यूटर, कि अगर मान लो कि आपका कंप्यूटर सिस्टम बेकार हो गया है तो वो जो रिस्टोरेशन की कॉस्ट आएगी वो दिया जाएगा। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। अगर ऐसा साइबर अटैक होता है तो आप खुद सोचो, साइबर अटैक का मतलब क्या है कि आपका कंप्यूटर गया, मान लो किसी सरकार पे या किसी पे साइबर अटैक हो तो सिस्टम गया, तो उसकी तो कॉस्ट कवर होगी ही होगी साइबर इंश्योरेंस में। भाई इंश्योरेंस में यही तो होगा ना कि आपका कंप्यूटर उड़ गया, आपने इंश्योरेंस लिया तो ये तो कवर होगा ही होगा। तो 1 तो बिल्कुल सही है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के हम इसको कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ अ न्यू कंप्यूटर इफ सम मिसक्रेंट विलफुली डैमेज इट। देखिए न्यू कंप्यूटर की कहां बात है, कुछ चोरी थोड़ी ना हुआ आपका कंप्यूटर। फाइनेंशियल लॉस ठीक है, लेकिन न्यू कंप्यूटर जो है वो आपको नहीं दिया जाएगा। अगर इंटेंशन जो है वो इंटेंशनली और डिलिबरेटली है तो पॉलिसी विल नॉट पे एनी क्लेम। अगर मान लो कि उनको कोई फ्रॉडुलेंट, डिसऑनेस्ट या मैलिशियस एक्ट नहीं लगा तो क्यों वो प्ले क्लेम करेगी? ठीक है, तो ये चीज है, ये नहीं दिया जाएगा। सेकेंड इज विल नॉट बी गिवन। कॉस्ट ऑफ हायरिंग ए स्पेशलाइज्ड, अब देखिए 2 नहीं होगा तो इसमें अब जैसे 1 है, 1 जिसमें यानी कि A में 1 है, B में 1 है, C में 1 है, यानी कि C नहीं हो सकता, यानी कि 2 और 3 इसमें है, यानी कि 2 और 3 इसमें है, तो याद रखिएगा। तो अब कॉस्ट ऑफ न्यू कंप्यूटर इफ सम मिसक्रिंट, अच्छा ये हो गया। कॉस्ट ऑफ हायरिंग ए स्पेशलाइज्ड कंसल्टेंट टू मिनिमाइज द लॉस इन केस ऑफ साइबर एक्सटॉर्शन। देखिए अगर आपने पहला स्टेटमेंट पकड़ लिया तो 2 और 3 तो वैसे भी नहीं हो सकते ना, यानी कि ये तो वैसे भी गलत ही होगा और ये भी गलत होगा, समझ रहे हो आप? नहीं एक्चुअली 3 नहीं होगा, ठीक है, इसमें 2 आपने पकड़ लिया है। तो हम ये देखते हैं कि कॉस्ट ऑफ हायरिंग ए स्पेशलाइज्ड कंसल्टेंट टू मिनिमाइज द लॉस इन केस ऑफ साइबर क्रिमिनल, ये ठीक है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये साइबर इंश्योरेंस में कवर होता है कि स्पेशलाइज्ड कंसल्टेंट आपको देते हैं अगर साइबर एक्सटॉर्शन होता है तो। 4th, कॉस्ट ऑफ डिफेंस इन कोर्ट ऑफ लॉ इफ एनी थर्ड पार्टी फाइल्स अ सूट, ये भी बिल्कुल सही है। अगर कोई थर्ड पार्टी सूट फाइल करती है तो इसमें ये कॉस्ट जो है वो कवर होती है। तो 1, 3 और 4 आर कवर्ड, लेकिन सेकंड कवर नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर इज 1, 3 और 4। ये बहुत टफ सवाल है, इसमें साइबर इंश्योरेंस कोई बहुत मुश्किल है, कोई पढ़ के गया होगा तो भाई मैं तो यही कहूँगा कि बेकार में इसमें चांसेस मत लेना, आता हो तभी करना, नहीं तो मत करना। 61वां सवाल, तो आप देखते हैं कि इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज पब्लिक इन्वेस्टमेंट। भारत में इनमें से कौन पब्लिक इन्वेस्टमेंट होता है? पहला एग्रीकल्चर का सवाल है, फिक्सिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑफ ऑल क्रॉप्स। इस बार MSP बहुत ज़्यादा हम ये देखते हैं कि काफ़ी चर्चा में रहा है। तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर में, ये इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगा? मिनिमम सपोर्ट प्राइस कोई इन्वेस्टमेंट थोड़ी ना है, है कि नहीं? तो MSP फार्मर्स को रिम्यूनरेटिव प्राइस देता है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाता। तो कॉमन सेंस से ये सवाल जो है वो हो गया, ये स्टेटमेंट जो हो गया वो हो गया फर्स्ट जो है ये नहीं होगा। सेकंड, कंप्यूटराइजेशन ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। देखिए ये बिल्कुल सही बात है, कंप्यूटराइजेशन, जब एग्री क्रेडिट सोसाइटी बनेगी तो उसमें प्रोडक्टिविटी बनेगी, यानी कि ये एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। कंप्यूटर लगाएंगे ना तो ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, यानी कि सेकेंड तो सही हो गया। सोशल कैपिटल डेवलपमेंट, सोशल कैपिटल डेवलपमेंट, सोशल कैपिटल डेवलपमेंट, ये भी बिल्कुल सही बात है। सोशल कैपिटल डेवलपमेंट, हाँ इसमें भी आपकी कैपिटल इन्वॉल्व रहेगी, नाम ही है ना, तो ये भी 2, 3 भी होगा। ओके, जिसमें 1 है, यानी कि A नहीं हो सकता, B नहीं हो सकता, C नहीं हो सकता, तो अपने आप 2, 3 एंड ये C हो जाएगा। A, B और D नहीं हो सकते क्योंकि इसमें 1 आ रहा है। तो आपने देखिए पहला स्टेटमेंट अगर आपने पकड़ लिया मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो अपने आप धड़ाधड़ 5.5 limit हो गई। वही तो बताते हैं, यूपीएससी का एग्जाम बहुत शानदार है। देखिए पहले में 1 है तो ये नहीं होगा, ये दूसरे में भी 1 आ रहा है, डी में भी 1 है, तो बचा क्या? सी। अपने आप बाकी स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत ही नहीं, खत्म, टाटा बाय बाय, गया। ये चीज है। फ्री इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टू फार्मर्स, बिल्कुल भी नहीं, ये भी नहीं। वैसे मैं और भी स्टेटमेंट आपको पढ़ के बता दे रहा हूं। वेवर ऑफ एग्रीकल्चर रूल्स, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये तो और प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, तो ये भी नहीं होगा। सेटिंग अप कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। तो ये आसान सवाल है काफी, इसको आप दिमाग लगा के ही कर सकते हो, कॉमन सेंस से कर सकते हो। एलिमिनेशन प्रोसेस से तीनों से हो सकता है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टर्म इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ऑफ अ फर्म इन इंडिया? 62। इसका मतलब क्या है? टर्म इंश्योरेंस कवरेज, इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग। पहले तो आप समझो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है, ठीक है? देखो नाम, देखो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, मतलब जो कंपनी है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मतलब जो इंटरेस्ट है दैट इज टू बी पेड बाय द कंपनी फॉर रेजिंग डेट। जो कंपनी पैसा देगी, पैसा लेगी, नाम है ना इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो कंपनी पूरा पैसा ले रही है, उधार ले रही है, उस पर इंटरेस्ट कितना देना है, समझिए आप। तो इसमें सबसे पहला है इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट रिस्क ऑफ अ फर्म दैट अ बैंक इज गोइंग टू गिव लोन टू। बिल्कुल सही बात है भाई, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में ये पता चलता है कि कितना फर्म जो है वो इंटरेस्ट पे कर सकती है, जो उसका आउटस्टैंडिंग डेट है वो दे सकती है। तो ये पहला सही है, सो फर्स्ट इज करेक्ट। सेकेंड, इट हेल्प्स इन इवैल्यूएटिंग द इमर्जिंग रिस्क ऑफ अ फर्म दैट अ बैंक इज गोइंग टू गिव लोन टू। बिल्कुल सही बात है, ये पहला, दूसरा जो है पहले से रिलेटेड है, सो सेकेंड भी सही है। यहाँ पे बैंक्स कैलकुलेट करते हैं कि भाई फर्म्स की कितनी डेट और कितना इंटरेस्ट दे पाएगी, तो ये तो बिल्कुल सही है। तीसरा, द हायर अ बोरोइंग फर्म लेवल ऑफ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो द वर्स इज इट्स एबिलिटी टू सर्विस इट्स डेट, ये सही नहीं है। हायर कवरेज रेशियो इज बेटर होता है और ये आइडियल होता है, तो ये तीसरा तो गलत हो गया। तो पहला और दूसरा अगर आपको पता है तो ए इज द करेक्ट आंसर है। वैसे अगर आपको पहला स्टेटमेंट भी पता है तो या तो ए होगा या फिर सी होगा या फिर डी होगा, ठीक है। दूसरा पता लग गया तो सही है। हालांकि इसमें ऑप्शंस इस तरीके से अरेंज किए हुए हैं कि आपको तीनों स्टेटमेंट जो है वो देखने पड़ेंगे। 63, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स वर अफेक्टिंग द प्राइस ऑफ राइस इन इंडिया। देखिए बहुत आसान है, इसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो आएगा ही आएगा, हमेशा जो प्राइस ऑफ राइस है एमएसपी, अभी राइस और व्हीट पे ही दिया जाता है तो एमएसपी तो आएगा ही आएगा। तो पहला है, यानी कि या तो ए होगा या बी होगा या फिर डी होगा, ये नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता क्योंकि इस पर 1 नहीं है और 1 तो है ही है। दूसरा है आपका गवर्नेंस, गवर्नमेंट ट्रेडिंग, ठीक है, गवर्नमेंट ट्रेडिंग इसमें नहीं आता है भाई, गवर्नमेंट की ट्रेडिंग से क्या लेना देना, गवर्नमेंट इसमें इसका ट्रेडिंग से लेना देना नहीं है भाई। गवर्नमेंट ऑक्शन जो एक्सेस स्टॉक पाइल बनता है तब उसका ट्रेड करती है, जब मार्केट प्राइसेज जो होते हैं वो नीचे जाते हैं, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा, मतलब गवर्नमेंट ट्रेडिंग इसमें नहीं आएगा। और गवर्नमेंट स्टॉक पाइलिंग, ये भी वही है कि गवर्नमेंट स्टॉक पाइलिंग आएगा, गवर्नमेंट स्टॉक पाइलिंग नहीं, गवर्नमेंट ट्रेडिंग भी आएगा मेरे ख्याल में इसमें, गवर्नमेंट ट्रेडिंग भी आएगा, गवर्नमेंट ट्रेडिंग भी आएगा क्योंकि यहाँ पे पॉलिसीज है ना। बिल्कुल, गवर्नमेंट जो ट्रेड करती है भाई, ट्रेडर्स जो होते हैं वो मंडी से सब कुछ खरीदते हैं और सरकार की एजेंसी तो ट्रेड करती हैं, तो बिल्कुल सेकेंड भी आएगा। और गवर्नमेंट स्टॉक पाइलिंग भी आएगा, सरकार स्टॉक पाइल करती है, एक्सेस स्टॉक पाइल को बेच देती है, तो ये भी आएगा, तीसरा भी सही है। और कंज्यूमर सब्सिडीज, ये भी बिल्कुल सही बात है, सरकार जो है सब्सिडीज देती है ना, फेयर प्राइस शॉप भाई, कंज्यूमर सब्सिडीज नहीं देती है, यही तो मेन पूरा हमको फूड सिक्योरिटी देनी है। ये जो 5-5, 6-6 रुपए में 1-1 किलो ये जो व्हीट और राइस मिलता है, इसी की वजह से मिलता है, सब्सिडीज की वजह से। तो 3-4 सही है, डी 1, 2, 3 एंड 4। 64, द वैल्यू ऑफ इंडो श्रीलंका ट्रेड हैज कॉन्स्टेंटली इंक्रीज इन द लास्ट डेकेड। अब भाई देखो, ये इंटरनेशनल रिलेशन का सवाल आ गया। अब भाई इसमें आप, ये भी थोड़ा सा टफ सवाल है। अब इसमें अगर आपको इसमें अगर हिस्ट्री नहीं पता होगी तो मुश्किल होगा ये। तो भाई इंडिया श्रीलंका ट्रेड की जो वैल्यू है वो घटी है, ठीक है, वो बढ़ी नहीं है, वो शुरुआत में बढ़ी थी फिर घटी है, तो ये गलत हो गया। यानी कि अगर आपको पहला इनमें से अगर आपको पहला अगर फर्स्ट आपने पकड़ लिया तो यानी कि ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, यानी बी होगा या सी होगा, या तो दूसरा या तीसरा सही होगा। तो टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल आर्टिकल्स कंस्टिट्यूट एन इंपॉर्टेंट आइटम ऑफ ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। अब देखिए इसमें इंडिया एंड बांग्लादेश भी आ गया, बाप रे। ये आप कॉमन सेंस लगा के बता सकते हो, ये बिल्कुल सही है ऑप्शन। क्यों? क्योंकि भाई बांग्लादेश मेजर टेक्सटाइल सेक्टर है। 1 इज नॉट करेक्ट, लेकिन भारत का टेक्सटाइल और बांग्लादेश का टेक्सटाइल, बिल्कुल टेक्सटाइल और टेक्सटाइल आर्टिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट आइटम ऑफ ट्रेड है, ये कॉमन सेंस का सवाल है, तो ये बिल्कुल सही है। तो क्योंकि अब 1 के साथ 2 है, डी के साथ, डी पे भी 1, 2, 3 आ रहा है, ये तो हो नहीं सकते, तो बी सही आंसर होगा, सिंपल। तो यानी कि देखिए, जो जहां पर टफ सवाल आएगा वो ऑप्शन कंपनसेट कर देगा। ऑप्शन इस तरीके से रहेंगे कि अगर आपको एक भी स्टेटमेंट पता है आप एलिमिनेट कर दोगे, तो बी इज द करेक्ट आंसर। तीसरा भी देख लेते हैं, लास्ट 5 ईयर्स नेपाल हैज बीन द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया। ये बिल्कुल गलत बात है, नेपाल लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर नहीं है, बांग्लादेश लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, ठीक है, फॉलोड बाय नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, भूटान, अफगानिस्तान। तो 3 इज नॉट करेक्ट, ओके। चलो 65, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर ऑल द 4 कंट्रीज मेंबर ऑफ G20। इनमें से कौन से ग्रुप, देखिए ये डायरेक्ट सवाल है, 65 सवाल G20 के अगर ग्रुप्स की बात करें तो इसमें अर्जेंटीना, मेक्सिको, साउथ अफ्रीका एंड टर्की यही है, ये रट्टाफिकेशन वाला सवाल है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं, अंडर द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम शॉर्ट टर्म क्रेडिट सपोर्ट इज गिवन टू फार्मर्स फॉर व्हिच आर द फॉलोइंग पर्पसेस। अब अगर आपको किसान क्रेडिट कार्ड, ये तो देखिए ये स्कीम्स तो आपको पता होनी चाहिए ना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, ये नहीं पता है तो फिर फायदा क्या है। तो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम क्या है, स्कीम क्या बोलती है, स्कीम आपको पैसा देती है। अगर किसान को पैसा चाहिए तो भाई पैसा देगी, ठीक है। तो इसमें से क्या आता है, किसान क्रेडिट कार्ड में क्या आता है, सबसे पहला वर्किंग कैपिटल फॉर मेंटेनेंस ऑफ फार्म एसेट्स, भाई ये तो देगा ही देगा ना, कोई भी स्कीम के अंदर तो ये होगा ही होगा, वर्किंग कैपिटल, कैपिटल ही पैसा ही तो देती है, तो पहला तो सही है, यानी कि ए, बी, सी नहीं होगा क्योंकि इसमें 1 नहीं आ रहा है, और डी, ए बी डी में से कोई होगा। दूसरा, परचेज ऑफ कंबाइंड हार्वेस्टर्स, ट्रैक्टर्स एंड मिनी ट्रक्स, ये इसमें नहीं आता है, आप समझ रहे हो, ये परचेज ऑफ कंबाइंड हार्वेस्टर्स, ट्रैक्टर्स एंड मिनी ट्रक्स इसमें नहीं आता है। शॉर्ट टर्म क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स मिलते हैं, ये लॉन्ग टर्म हो गया, इसमें ज्यादा पैसा देने की जरूरत है। तो किसान क्रेडिट कार्ड में भाई ट्रैक्टर एक्टर थोड़ी ना खरीद लोगे उठा के, मिनी ट्रक्स थोड़ी ना खरीद लोगे, इतना पैसा नहीं दिया जाता है, लाखों में आता है ये, तो सेकंड इज रॉन्ग। ये थोड़ा सा आप दिमाग भी लगा सकते हैं, किसानों को अगर ट्रैक्टर और मिनी ट्रक देने लग गए तब तो मजा ही आ जाए, किसानों की बल्ले बल्ले हो जाए, है कि नहीं, तो ये इट्स नॉट राइट, ठीक है। तीसरा, कंजम्पशन रिक्वायरमेंट ऑफ फार्म हाउस होल्ड, बिल्कुल ये बिल्कुल सही है, कंजम्पशन रिक्वायरमेंट होता है फार्म हाउस होल्ड में। पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस, ये भी बिल्कुल कवर्ड है, एब्सोल्यूटली परफेक्ट, पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस कवर्ड होते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली हाउस, हाँ घर का कंस्ट्रक्शन कोई नहीं देता है, तो 1, 3 एंड 4 इज द राइट आंसर, ओके। मजा आ रहा है कि नहीं। 67, द वेटेज ऑफ फूड इन CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज हायर देन दैट एंड होल प्राइस, बहुत ही शानदार। अभी 3 दिन पहले मैंने CPI WPI पे लेक्चर लिया था। वेटेज ऑफ फूड इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड हायर दैट एंड, बिल्कुल सही है भाई, हम CPI लेते हैं, इन्फ्लेशन CPI WPI महंगाई को देखने के लिए। CPI जो है इसमें गुड्स एंड सर्विसेज दोनों आ जाता है, WPI में खाली गुड्स आते हैं। पूरा लेक्चर देखना, अभी 3 दिन पहले मैंने YouTube पे डाला, डिफरेंस बिटवीन CPI एंड WPI, तो ये तो बिल्कुल सही है, एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट। WPI डज नॉट कैप्चर द चेंजेस इन प्राइस ऑफ सर्विसेज, बिल्कुल सही बात है भाई, CPI में सर्विसेज भी आ जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज नाउ एडॉप्टेड WPI नहीं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने CPI एडॉप्ट किया, तो ये गलत है। ये तीनों चीज मैंने आपको बताई थी, तो देखिए लेक्चर कितने इंपॉर्टेंट है। सो ए इज द करेक्ट आंसर, 1 एंड 2 बहुत आसान है। 68, देखो जो पढ़ा है वो आसान है कि नहीं। 68, इसमें रिवर्स दी हुई है, मेकॉन्ग रिवर कहाँ से निकलती है, चलो फटाक से बताओ। इसमें बोला कि अच्छा विच ऑफ द पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, तो भाई मेकॉन्ग जो रिवर है ये अंडमान सी में फ्लो होती है, नहीं, मेकॉन्ग रिवर जो है वो साउथ चाइना सी में फ्लो होती है, ये गलत है। थेम्स जो है वो आयरिश सी में नहीं जाती है, थेम्स जो है वो इंग्लिश चैनल में जाती है, इंग्लैंड में थेम्स, लंदन थेम्स नदी के किनारे ना। वोल्गा जो है वो कैस्पियन सी में जाती है, बिल्कुल सही बात है, और ज़ैम्बेजी जो है वो इंडियन ओशन में जाती है, एकदम सही बात है। सो द करेक्ट आंसर इज सी, ये डायरेक्ट सवाल है। अब इसमें भी भाई ज्योग्राफी का सवाल है, आता हो तभी करना, वरना मत करना, ये मैं कर ही चुका हूँ, ओके। 68, 69 यहाँ पे आ गया। चलो, इन केस ऑफ ऑल सीरियल्स पल्सेस एंड ऑयल सीड्स, 69 का है ये। इन केस ऑफ ऑल सीरियल्स पल्सेस एंड ऑयल सीड्स द प्रोक्योरमेंट ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP इज अनलिमिटेड इन एनी स्टेट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, बिल्कुल गलत है ये। प्रोक्योरमेंट ऑफ ऑयल सीड्स पल्सेस एंड सीरियल्स इज नॉट अनलिमिटेड, लिमिटेड है ये भाई। PM आशा गाइडलाइंस ने 25% तक लिमिट कर दिया है, याद रखिएगा। ये थोड़ा सा इसमें आप इज अनलिमिटेड, ये अगेन एक ऐसा वर्ड है ना, अनलिमिटेड कुछ नहीं होता है, सरकार अनलिमिटेड कुछ नहीं देती है, तो ये गलत हो गया, 1 इज रॉन्ग। इन केस ऑफ सीरियल्स एंड पल्सेस द MSP इज फिक्स, सीरियल्स एंड पल्सेस में MSP फिक्स है, बिल्कुल गलत बात है। सीरियल्स एंड पल्सेस में MSP इज नॉट फिक्स्ड इन एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी एट अ लेवल टू विच द मार्केट प्राइस विल नेवर राइज, ये तो ये आप स्टेटमेंट देखो तो इतने खतरनाक है, ये आपको ऑर्डर दे रहे हैं और सरकार में ऑर्डर नहीं चलते। इन केस ऑफ सीरियल्स एंड पल्सेस MSP फिक्स्ड है किसी भी स्टेट यूनियन टेरिटरी में उस लेवल पे जब मार्केट प्राइस घटेगा, बढ़ेगा ही नहीं। अरे बिल्कुल गलत है भाई, इसमें स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट भाई। मार्केट प्राइस की डेफिनेशन ही है कि वो डिमांड और सप्लाई से डिटरमाइन होगा, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। So D is the correct answer, neither one, neither two. 70. With reference to Indian economy, consider the following statement. भारतीय अर्थव्यवस्था, इसमें से सारे स्टेटमेंट करेक्ट करिए और बताइए कि कौन सही है। ये आसान है, अब इतना तो इकोनॉमी में हर कोई पढ़ता ही है भाई। कमर्शियल पेपर जो होता है, इट्स अ शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट। ये बिल्कुल सही बात है, कमर्शियल पेपर की डेफिनेशन ही यही है कि शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट है, ठीक है ना। ये डेट इंस्ट्रूमेंट है, पैसे है ना भाई। कॉर्पोरेशन जो होती है वो कमर्शियल पेपर निकालती है, आप खरीदोगे, कॉर्पोरेशन को पैसे मिल जाएंगे, 270 दिन का टाइम होता है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सही है, फर्स्ट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज अ लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय, ये बिल्कुल गलत है, इट्स अ शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट, इट्स नॉट लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट, ओके। तो स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होता है, तो टू इज नॉट करेक्ट, इट्स अ शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट। कॉल मनी इज अ शॉर्ट टर्म फाइनेंस, बिल्कुल सही बात है, 14 दिन का होता है यहाँ पे कॉल मनी, ठीक है। सो कॉल मनी 3 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। कॉल मनी शॉर्ट टर्म फाइनेंस है इंटर बैंक ट्रांजेक्शन के लिए, भाई बैंक टू बैंक जब ट्रांजेक्शन करती है ना, 15 दिन का होता है, 1 से 15 दिन का, तो ये कॉल मनी बिल्कुल एक शॉर्ट टर्म है, तो 1 और 3 इज करेक्ट। अब देखिए, अब इसमें आपको पहला पता चल गया, तो ए सही होगा या फिर सी सही होगा, ठीक है। बी हो नहीं सकता, डी हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें 1 नहीं है, तो 1 तो सही है, ठीक है। तो यानी कि ए होगा या फिर सी होगा, आपको इतना पता लगना है, ओके। तो अब इसमें 2 होगा नहीं, तो ये गलत हो गया, यानी कि 1 और 3 इज द करेक्ट आंसर। तो इसमें भी एलिमिनेशन प्रोसेस जो है वो लग जाएगा। 71. कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया बताइए में, इसमें से कौन से पेयर्स जो हैं दे आर करेक्टली मैच्ड। देखिए, ये आपने पढ़ा ही होगा, ये मैंने अभी भी पढ़ाया था एंशियंट हिस्ट्री में, जिन्होंने मेरा फाउंडेशन कोर्स लिया है। तो इसमें सबसे पहले है परिव्राजक, रिनंशिएंट एंड वॉन्डरर, ये बिल्कुल सही बात है। परिव्राजक मतलब होता है वॉन्डरिंग, मतलब भैया तुम हो गए, तुम हो एकदम, तुमने ले लिया, क्या कहते हैं, संन्यास, तो ये बिल्कुल सही बात है। श्रमण, प्रीस्ट विथ हाई स्टेटस, एकदम सही है ये, नहीं ये गलत है, सॉरी। श्रमण भी, श्रमण सेम होता है, परिव्राजक और श्रमण सेम होते हैं, तो श्रमण प्रीस्ट नहीं होता है, तो 3 गलत हो गया। उपासक, उपासक इज द फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म, तो 1 और 3 इज द करेक्ट आंसर। ये डायरेक्ट सवाल है, अब इसमें अगर आपको आता है तभी करिएगा, बिना बात के रिस्क मत लीजिएगा, रिस्क नहीं लेने का। विद रेफरेंस टू इंडियन एलिफेंट्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चलो अब मजा आएगी। 72. अब एलिफेंट पे मैंने लेक्चर्स लिए हैं वैसे आपको बता दूं कि लीडर ऑफ एन एलिफेंट ग्रुप इज अ फीमेल, ये बिल्कुल सही है। लीडर ऑफ ग्रुप हमेशा फीमेल होती है ना, ये चीज है। मैक्सिमम जेस्टेशन पीरियड कैन बी 22 मंथ्स, ये भी बिल्कुल सही है, 18 से 22 मंथ का जेस्टेशन पीरियड होता है, ठीक है। तो 1 और 2 सही है, यानी कि ए ही आंसर होगा, क्योंकि बाकी तो है ही नहीं ना 1 और 2, भाई जिसमें 1 है उसमें 2 नहीं है, तो यानी कि ये बी सी डी तो अपने आप ही एलिमिनेट हो गए। फिलहाल 3 देखिए, एलिफेंट कैन नॉर्मली गो ऑन कार्विंग टिल द एज ऑफ 40 ईयर्स ओनली, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर ओनली आ गया, ओनली नहीं है भाई, ओनली नहीं है, ओनली जहां तक आएगा तो प्रॉब्लम होगी, तो ये 3 और 4 इज नॉट करेक्ट। एमंग द स्टेट हाईएस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन इज इन केरल, ये भी गलत है। कर्नाटक में सबसे ज्यादा है, 6000 के करीब एलिफेंट्स हैं, फॉलोड बाई केरल, तो 1 और 2 इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ए। तो इसमें आप अगर आपने पहला और दूसरा क्रैक कर लिया तो तीसरा और चौथा देखने की जरूरत ही नहीं है। Which of the following protected area are located at कावेरी बेसिन, इनमें से कौन सा प्रोटेक्टेड एरिया कावेरी बेसिन। कावेरी बेसिन भाई कृष्णा, कावेरी, महानदी, आपकी दामोदर कह रहा हूँ, गोदावरी, ये सब पेनिसुलर रिवर्स हैं। 2 रिवर सिस्टम है ना हमारे, पेनिसुलर रिवर सिस्टम और हिमालयन रिवर सिस्टम। तो भाई इसमें से कौन सा प्रोटेक्टेड एरिया जो है वो कावेरी बेसिन के अंदर आता है। अब कावेरी बेसिन जो है, कावेरी जो है भाई वो इधर केरल साइड में बहती है, साउथ इंडिया में बहती है ये, ठीक है। तो इसमें नागर होल नेशनल पार्क और राजीव गांधी नेशनल पार्क भी बोला जाता है, तो ये कावेरी बेसिन में ही आता, कर्नाटक में ही आता, तो कावेरी कर्नाटक को कवर करती है ना, तो नागर होल नेशनल पार्क कावेरी बेसिन, कावेरी रिवर है, तो उसका जो रिवर अपना पूरा एरिया तय करती है वो बेसिन होता है, तो कर्नाटक से नागर होल से होते हुए गुजरती है। पापीकोंडा जो है वो ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में आता है, तो ये सही नहीं होगा, गोदावरी से जाती ही नहीं, आंध्र प्रदेश से जाती ही नहीं है ये, गोदावरी पापीकोंडा गोदावरी बेसिन के अंदर आता है, ठीक है। तो सेकंड इज नॉट करेक्ट, यानी कि जिसमें 1 है, ये तो ए तो हो ही नहीं सकता कि इसमें 1 भी है 2 भी है, ठीक है। डी भी नहीं हो सकता है, तो या तो बी होगा या फिर सी होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। नहीं, बी भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें वन नहीं है, तो सी ही रहा बचा, खत्म। इसमें भी आप ऑप्शन से लगा सकते हो। वेनाइट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वेनाइट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी ये भी आपका इसमें आता है, कावेरी बेसिन में आता है। सो सी इज द करेक्ट आंसर। 74 विथ रेफरेंस टू इंडिया बायोडाइवर्सिटी, सीलोन, फ्रॉग माउथ, कॉपर स्मिथ, बारबेट, ग्रे शिंड, मिनीवेट एंड व्हाइट थ्रोटेड रेड स्टार्ट आर क्या है भाई? ये बर्ड्स होती हैं, ठीक है, ये सीधा सीधा सवाल है। और टू बी वेरी फ्रैंक ये भी टफ सवाल है, तो अगर आपको पता है, या तो आता है आपको या नहीं आता है, ठीक है, तो अगर आता है तभी करिएगा। तो ये ए बर्ड्स होती है, ए इज द राइट आंसर। 75 75वां सवाल कि क्या है भाई? विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज इज वेल नोन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ अ सब स्पीशीज ऑफ द इंडियन स्वैम्प डियर? बारासिंघा जो है वो बहुत ज्यादा न्यूज में था, तो इसमें से कौन सा प्रोटेक्टेड एरिया इट इज नोन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बारासिंघा? ठीक है, कान्हा नेशनल पार्क। अच्छा एक बात बताओ कि कान्हा नेशनल पार्क में बारासिंघा मिलता है? बिल्कुल मिलता है भाई। बहुत लोग बोलेंगे कि अरे कान्हा तो टाइगर रिजर्व के लिए बहुत ज्यादा, बारासिंघा का जो रिवाइवल है एंडेंजर्ड है भाई, एक कान्हा टाइगर रिजर्व में ही हुआ है और मोस्ट सक्सेसफुल रहा है ये कंजर्वेशन प्रोजेक्ट में। सो ए इज द करेक्ट आंसर। अरे करंट अफेयर्स में था पिछले साल, तो जिसने करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़े वो बाजी मार लेगा। स्टेटमेंट ज्यादा आसान होते हैं स्टेटमेंट वाले सवाल, क्योंकि उसमें आप एलिमिनेट कर सकते हो, उसमें आप एलिमिनेट नहीं कर सकते। स्टील स्लैग कैन बी द मटेरियल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? अब ये जबरदस्त है। स्टील स्लैग जो होता है, देखिए स्टील स्लैग जो होता है ना बाय प्रोडक्ट होता है, आपको बता दूं, जो स्टील का स्लैग होता है वो जब आप स्टील बनाते हो तो उसका बाय प्रोडक्ट होता है। तो ये चीज आप देखिए, ये तगड़ा सवाल है अगेन। तो पहला है कि भाई कंस्ट्रक्शन ऑफ बेस रोड, स्टील स्लैग बिल्कुल कंस्ट्रक्शन ऑफ बेस रोड में यूज होता है। जब भी आप मॉर्टल लिक्विड को पिघलाते हो और उसके बाद इसको मिलाते हो तो रोड कंस्ट्रक्शन बहुत बढ़िया होती है। तो ए तो बिल्कुल सही है। टफ है ये, बहुत ज्यादा टफ है, बहुत ही ज्यादा टफ है। जब तक आप इसको पढ़ोगे नहीं तब तक नहीं हो पाएगा। इंप्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सॉइल, ये भी बिल्कुल सही बात है। एग्रीकल्चर स्टील स्लैग का भाई बहुत सारे यूज हैं, है ना, ये जो बाय प्रोडक्ट है। और प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट, ये भी भाई रोड में आ रहा है तो सीमेंट तो होगा ही। तो तीनों ही करेक्ट है, 1, 2 एंड 3। 77 विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट लाइकली प्लेसेस टू फाउंड द मस्क डियर इन नेचुरल हैबिटेट? मस्क डियर आपको कहां मिलेगा? अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मस्क डियर या हिमालयन मस्क जो होता है ये आपको हिमालय, नेपाल, भूटान, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, यहाँ पे मिलेंगे। तो अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और गंगोत्री नेशनल पार्क जो है वो हिमालय रीजन्स में ही आते हैं। तो 1 एंड 2 इज द करेक्ट आंसर। मानस आसाम में आता है। किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ये आपको नहीं मिलेगा। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वैसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। किशनपुर दुधवा नेचुरल, दुधवा टाइगर रिजर्व के पास आता है। तो 3 एंड 4 में नहीं मिलेगा। 1 एंड 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो ये चीज है। इन रूरल रोड कंस्ट्रक्शन, फिर से रोड कंस्ट्रक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेफर्ड फॉर इंश्योरिंग एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और टू रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट? कार्बन फुटप्रिंट को, कार्बन जो जनरेशन होता है ना रोड कंस्ट्रक्शन में, कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए इसमें से क्या मिलाया जाता है या क्या लिया जाता है? कॉपर स्लैग, बिल्कुल सही बात है भाई। कॉपर स्लैग, अगर आप मेटल्स को यूज करोगे, प्राइमरी मेटल्स को यूज करोगे तो वो एनर्जी डिमांड को रिड्यूस करेगा। तो कॉपर तो है ही है, तो 1 होगा यहाँ पे, यानी कि ए होगा या फिर डी होगा। बी और सी तो अपने आप ही खत्म हो गए, बी और सी तो हो ही नहीं सकते। ठीक है। सेकंड आपका कोल्ड मिक्स एसफॉल्ट टेक्नोलॉजी। देखिए कोल्ड, ये जो एसफॉल्ट टेक्नोलॉजी है ये भी सही है, बिल्कुल। 2 इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, अब क्यों करेक्ट है इसका मुझे नहीं पता, लेकिन ये करेक्ट है। ये भी एनर्जी डिमांड को जो है वो रिड्यूस करता है, तो 2 इज ऑल्सो करेक्ट। कार्बन फुटप्रिंट जो है वो इससे रिड्यूस होता है। देन जियो टेक्सटाइल भी बिल्कुल ठीक है। जियो टेक्सटाइल में जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा बढ़ती है, तो जियो टेक्सटाइल इज एब्सोल्युटली गुड। तो रूरल रोड कंस्ट्रक्शन में जियो टेक्सटाइल भी काफी अच्छा काम करेगा। ठीक है, तो ये भी आप, इसमें भी कार्बन फुटप्रिंट जो है वो रिड्यूस होता है। पोर्टलैंड सीमेंट नहीं, पोर्टलैंड सीमेंट में एनर्जी काफी ज्यादा चाहिए और ये एनवायरमेंट को काफी ज्यादा क्या कहते हैं कि प्रॉब्लम करता है। हॉट एंड मिक्स एसफॉल्ट टेक्नोलॉजी भी नहीं है। सो 1, 2 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर। ये बहुत टफ सवाल है, टफेस्ट सवाल है। तो वही है कि भाई अगर आपको आए तभी आप करें। 78 हो गया, 79 पीछे रह गया क्या? ओके, मुझे लगता है इसमें 79, 80, 81, 82, 83 तकरीबन 5 सवाल नहीं है वो, मैं चलो बाद में इसको रिकवर कर दूंगा। 84 अकॉर्डिंग टू इंडियाज नेशनल पॉलिसी, भारत की नेशनल पॉलिसी के हिसाब से ऑन बायोफ्यूल्स पे जो है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज व्यू मटेरियल रॉ मटेरियल्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स। भाई भारत की नेशनल पॉलिसी के हिसाब से जो बायोफ्यूल्स पे, इसमें से कौन सा रॉ मटेरियल हम बायोफ्यूल्स के प्रोडक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। अब अगर आपने नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स नहीं पढ़ी है तो आप नहीं बता पाओगे। हालांकि ये बहुत ज़्यादा, अगर ये इस पॉलिसी की बात करें तो पिछली बार काफ़ी ज़्यादा ये न्यूज़ में रही है। तो इसमें कसावा यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। डैमेज्ड व्हीट ग्रेन्स बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। ग्राउंड नट सीड्स हम यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। हॉर्स ग्राम बिल्कुल नहीं। रॉटन पोटैटोज और शुगर बीट हम बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। तो 1256 इज द करेक्ट आंसर, 1256। ये सीधा सीधा सवाल है ये भी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन। बहुत ही शानदार सवाल है ये। अब सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन क्या है भाई? देखिए साइंटिस्ट जो है वो ये बताते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है और इसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव कंसिक्वेंस होगा सोसाइटी के ऊपर, सी लेवल हो रहे हैं। तो ये जो क्रॉप डिस्ट्रक्शन हो रहा है और लोग इधर से उधर माइग्रेट कर रहे हैं, तो भाई ये सोशल कॉस्ट है ना। ये आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ। तो लॉन्ग टर्म डैमेज डन बाय टन ऑफ CO2 इन अ गिवन ईयर, ये मॉनेटरी वैल्यू ये है बिल्कुल, जो लॉन्ग टर्म डैमेज करेगा कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर आप मॉनेटरी वैल्यू में इसको पैसे में तोलो तो रिक्वायरमेंट ऑफ फॉसिल फ्यूल फॉर अ कंट्री टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू इट्स सिटीजंस बेस्ड ऑन बर्निंग ऑफ दोज फ्यूल्स, ये बिल्कुल नहीं है। ये देखिए काफी ब्रॉड एग्रीमेंट है, ये सवाल के काफी पैमाने हैं, लेकिन रिक्वायरमेंट ऑफ फॉसिल फ्यूल फॉर अ कंट्री टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू द सिटीजंस, ये मॉनेटरी वैल्यू में नहीं आएगा। एफर्ट्स पुट इन वे बाय अ क्लाइमेट रेफ्यूजीज टू अडॉप्ट टू लिव इन अ न्यू प्लेस, ये भी नहीं आएगा। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सन से इसका लेना ही देना नहीं है। लॉन्ग टर्म डैमेज डन बाय टर्न ऑफ, सो ए इज द करेक्ट आंसर, 85 का ए। ओके, तो अब अगला सवाल, ब्लैक ग्राम जो होता है दैट कैन बी कल्टिवेटेड, जो काला चना होता है ना, एज बोथ खरीफ एंड रबी क्रॉप, ये बिल्कुल सही बात है। देखिए जो खरीफ जो होता है ना, खरीफ और रबी सीजन, भारत के 2 सीजन होते हैं, वैसे 3 होते हैं, खरीफ रबी जो है। तो खरीफ, ड्यूरिंग खरीफ क्या होता है कि इट इज कल्टिवेटेड थ्रू आउट द कंट्री, ठीक है। और खरीफ में जो पानी ज्यादा चाहिए होता है इसीलिए मॉनसून में इसको सो किया जाता है। अब ब्लैक ग्राम को अच्छा खासा पानी चाहिए और सॉइल भी हेवी चाहिए, तो पहला बिल्कुल करेक्ट है। अब सेकेंड, ग्रीन ग्राम अलोन अकाउंट्स फॉर नियरली हाफ ऑफ द पल्स प्रोडक्शन। ग्रीन ग्राम जो होती है, जो पल्स प्रोडक्शन है उसका आधा ग्रीन ग्राम है, ये बिल्कुल गलत है। आधा बिल्कुल नहीं है, 40% इसका शेयर है। ओके, बिल्कुल सही बात है, ग्राम जो है का शेयर बहुत ज्यादा है बट आधा नहीं है। लास्ट, इन दी लास्ट 3 डेकेड्स व्हाइल द प्रोडक्शन ऑफ खरीफ पल्सेस हैज इंक्रीज्ड द प्रोडक्शन ऑफ रबी पल्सेस हैज डिक्रीज्ड, बिल्कुल गलत है ये भी बिल्कुल गलत है। एक्चुअली में इसका उल्टा है, खरीफ पल्सेस डिक्रीज हुआ है उसके बाद इंक्रीज हुआ है, रबी पल्सेस इंक्रीज हुए हैं, ये उल्टा है। सो द करेक्ट आंसर विल बी 1 ओनली, ए। ओके, चलो ये तो पूरा स्टेटमेंट दिया हुआ है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक है। ये जो 4 आपको कॉटन, जूट, शुगरकेन, टी है ना, द क्रॉप इज सब ट्रॉपिकल इन नेचर, अ हार्ड फ्रॉस्ट इज इंजूरियस टू इट, इट रिक्वायर्स एटलीस्ट 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज। फ्रॉस्ट मतलब वो क्या, बर्फ होती है ना, बर्फ, जो अगर बर्फ जम जाए भाई तो बहुत, ये पूरी क्रॉप फसल बर्बाद हो जाती है। सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिक्स में जहाँ पे बारिश ज्यादा होती है तो सब ट्रॉपिकल में ये उगाया जाता है। लाइट वेल ड्रेन्ड सॉइल केपेबल ऑफ रिटेनिंग मॉइस्चर इज आइडियल। मॉइस्चर थोड़ा बहुत चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। 52 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल इज इनफ। ये पूरी की पूरी कैरेक्टरिस्टिक कॉटन की, रट्टाफिकेशन वाला सवाल है। कॉटन, देखो बेटा एक चीज समझो, भगवान तो हो नहीं। एक बच्चा मुझसे कह रहा था कि सर मुझे समझ नहीं आ रहा है, सर सही नहीं है ये वो। बेटा तुम एक बात बताओ, मैं यहाँ पे भगवान थोड़ी ना होगी जो तुमको ये बता दूंगा कि कौन सा ऐसे हो क्यों ओ मैं क्लीम और एकदम तुमको आ गया कि अरे यही आंसर है। नहीं भाई, तुमको पढ़ाई करनी पड़ेगी, और जब तक पढ़ाई नहीं करोगे, जब तक नॉलेज नहीं होगी, तब तक ये सवाल नहीं लगा पाओगे। मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। और एलिमिनेशन प्रोसेस, यूपीएससी सवाल लगाने के दो तीन तरीके हैं। एक एलिमिनेशन प्रोसेस, वर्ड्स को पकड़ना, स्टेटमेंट को पकड़ना, और सबसे इंपॉर्टेंट है नॉलेज। तो जब तक आपको ये चीज़ें पता नहीं होगी, तब तक आप कर नहीं पाओगे, ये समझना। विथ रेफरेंस टू सोलर वाटर पंप कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सोलर वाटर पंप में आप ये स्टेटमेंट कंसिडर करिए और बताइए कौन सा सही है। चलो, सोलर वाटर पंप, अब देखो नाम सही है भाई। ये जो जो वाटर पंप होते हैं ना, दो तरीके की, एक एसी होती है, एक डीसी होती है। जो मोटर्स वोटर्स इलेक्ट्रॉनिक्स में डायरेक्ट करंट यूज होता है, डीसी। तो सोलर वाटर पंप जो है वो डीसी इलेक्ट्रिक पावर जो है वो यूज करता है, ठीक है। और अगेन ये सनलाइट को यूज करता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। तो पहला क्या है, सोलर पावर कैन बी यूज्ड फॉर रनिंग सरफेस पंप एंड नॉट फॉर समर्सिबल पंप। देखिए ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। सोलर पावर कैन बी यूज्ड फॉर रनिंग सरफेस पंप एंड नॉट फॉर समर्सिबल पंप, इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, वन इज नॉट करेक्ट। दोनों के लिए ही यूज कर सकता है भाई, पर सोलर पंप का फायदा ही क्या? ये तो दिमाग से ही सोचो ना, फिर सोलर पंप का फायदा ही क्या? सोलर पावर कैन बी यूज फॉर रनिंग सेंट्रीफ्यूगल पंप्स एंड नॉट दी वंस विद दी पिस्टन, ये भी बिल्कुल गलत है। सेकेंड इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, ठीक है। पंप की खासियत ये दोनों चीजें होती हैं, तो यही दोनों चीजें नहीं है तो फायदा कुछ है ही नहीं। अब लोगों को लग सकता है भाई सोलर पावर है तो थोड़ा अलग हो, भाई कुछ अलग नहीं होता। पंप का बात बताओ, बिजली से चले चाहे सूरज से चले, एनर्जी से चलेगा ना, वो एनर्जी उसको चाहिए, काम तो उसका वही रहेगा। मुझे आपसे काम करवाना है, आपको काम करने के लिए आपको जिंदगी चाहिए। जिंदगी कहां से मिलती है? खाने पीने से। अब या तो खाने पीने से, या तो मैं बैटरी लगा दूं आयरन मैन की तरह, आपको जिंदगी देता रहे। काम करना, जिंदा रहना ना आपको। तो डी, नाइदर वन और टू। 89, विथ रेफरेंस टू द करंट ट्रेंड्स टू द कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। शुगर केन के कल्टीवेशन के हिसाब से इस सारे स्टेटमेंट को आप देखिए और बताइए कि कौन सा सही है। पहला, a substantial saving in seed material is made when bud chips settling are raised in a nursery and transplanted in the main field. हम जो सीड मटेरियल, जो बीज होता है, उसको सेव कर लेते हैं जब बड चिप सेटलिंग, उसको रेज, छोटे छोटे सीड्स होते हैं ना, ठीक है, उसको रेज किया जाता है नर्सरी में। नर्सरी आपको पता ही होगा, छोटे प्लांट्स पे जो पूरी प्लांट्स जहाँ पे रहते हैं, अलग अलग वैरायटी के प्लांट्स रहते हैं, और उन पे रिसर्च होती है बाकायदा, और ये देखा जाता है कि भाई क्या, कैसे, क्या क्या नए नए तरीके हम उगा सकते हैं। तो नर्सरी बेसिकली, तो बर्ड चिप सेटलिंग को पहले नर्सरी में रेस किया जाता है और उसके बाद फिर मेन फील्ड में लगाया जाता है। तो बीज को पहले नर्सरी में रेस किया जाता है, फिर आपको मेन फील्ड में ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो ये बिल्कुल सही है, इससे आप सीड जो है वो बचा सकते हो। शुगर केन जो है, इसमें 2 से 3 बड लगते हैं, ठीक है, और 2 से 3 बड, अगर आप मान लो कि ये आप नर्सरी में उगा रहे हो फिर मेन फील्ड में ले जा रहे हो, तो आप समझो कि इट सेव अबाउट 80 to 90% ऑफ द स्टॉक मटेरियल। तो 1 तो बिल्कुल सही है, ये भी थोड़ा सा टफ सवाल है। व्हेन डायरेक्ट प्लांटिंग ऑफ सेट इज डन द जर्मिनेशन परसेंटेज इज बेटर विद सिंगल बड सेट्स आर कंपेयर टू सेट्स विद मेनी बड्स। ये वाला जो सवाल है वो सही नहीं है, ठीक है। रिसर्च में ये हुआ है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है। अगर मान लो कि आप डायरेक्ट प्लांटिंग करते हो, सेट इज डन, तो जर्मिनेशन परसेंटेज बेटर नहीं होता है, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है। तो सेकंड इज नॉट करेक्ट। 65 to 70% आपको बेटर यील्ड मिलती है अगर 2 बर्ड्स होते हैं, तो सिंगल बर्ड का बेटर नहीं होता है। तो सेकंड नहीं करेक्ट। और देखिए, इफ अ बैड वेदर कंडीशन प्रीवेल्स व्हेन सेट्स आर डायरेक्टली प्लांटेड सिंगल बट सेट्स हैव बेटर सर्वाइवल। अब ये 2 और 3 एक दूसरे से रिलेटेड है, तो ये भी गलत हो जाएगा। मैंने बताया ना कि भाई 2 बट इज ऑलवेज बेटर, सिंगल नहीं। तो सेकेंड एंड 3 इज रॉन्ग, 1 इज करेक्ट। तो या तो 1, ये तो होगा नहीं, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता, 1 and 4, खाली चौथा बचा, क्योंकि डी भी नहीं हो सकता। शुगर केन कैन बी कल्टिवेटेड यूजिंग सेटलिंग प्रिपेयर्ड फ्रॉम टिश्यू कल्चर, ये बिल्कुल सही है। 4th इज एब्सोल्युटली राइट, वैसे भी यही होगा, यही बचा ही, तो सी तो होगा ही होगा। In context of India, which of the following are considered to be practice of eco-friendly agriculture? भाई इसमें eco-friendly agriculture बहुत आसान सवाल है यार। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन बिल्कुल eco-friendly कल्चर में आता है। लिग्यूम इंटेंसिफिकेशन भी eco-friendly कल्चर में। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन मतलब क्या? नए क्रॉपिंग सिस्टम, आप क्रॉप को डाइवर्सिफाई करते जाओ, ठीक है। तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन भाई ऑलवेज इको फ्रेंडली होता है। रेंज ऑफ वेराइटी, पर्टिकुलर क्रॉप जो है रेंज ऑफ वेराइटी उसकी मिलती है। तो इकोसिस्टम है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का, डाइवर्सिफिकेशन इसमें होता है। तो ये अगेन इट इज वेरी फ्रेंडली फॉर इकोसिस्टम। लिग्यूम अभी नया, लिग्यूम इंटेंसिफिकेशन, सस्टेनेबल इंटेंसिफिकेशन भी इसको बोला जाता है। तीन डायमेंशन से प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ, इकोसिस्टम सर्विसेज को मेंटेन करो, रेजिलियंस, तो 2 भी बिल्कुल सही है। टेंसियोमीटर यूज, अच्छा टेंसियोमीटर क्या? टेंसियोमीटर भाई वाटर प्रेशर, टेंसियोमीटर जो होता है ये वाटर प्रेशर नापता है, ठीक है। तो टेंसियोमीटर जो होता है ये भी इरिगेशन शेड्यूलिंग के लिए यूज होता है। तो टेंसियोमीटर इज करेक्ट, 3 भी बिल्कुल सही है। वर्टिकल फार्मिंग भी सही है। प्रैक्टिस ऑफ जैसे वर्टिकल इस तरीके के स्टैक्स होते हैं ना, तो इसमें भी इट इज गुड, इट इज इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर। तो चारों ही सही है, 1, 2, 3 और 4। सर ये तो बड़ा टफ सवाल था। बिल्कुल ये बहुत टफ सवाल है। एग्रीकल्चर इस बार बहुत पूछा गया है, इस बार कृषि अगर नहीं पढ़ के गए और बड़े तगड़े सवाल पूछे गए हैं। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ फर्टिगेशन इन एग्रीकल्चर? अगेन एक और एग्रीकल्चर से सवाल। फर्टिगेशन का क्या, फर्टिगेशन होता क्या है? फर्टिगेशन फर्टिलाइजर से आप देख ही सकते हो। तो जब फर्टिलाइजर इज डिसॉल्व एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अलॉन्ग विथ वाटर, उसी को ही कहते हैं फर्टिगेशन। तो बहुत सारी रिसर्च हुई है इस पर, फर्टिगेशन पे। तो इसमें अगर बात करते हैं तो कंट्रोलिंग द अल्कलिनिटी ऑफ वाटर इज पॉसिबल, एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि हम अल्कलिनिटी, एसिडिटी नहीं, अल्कलिनिटी ही इरिगेशन मतलब जो इसकी को ही कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो फर्टिगेशन ही है, फर्टिलाइजर को वाटर से डिसॉल्व करो। इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। बहुत फर्टिलाइजर की सेविंग होती है, फर्टिलाइजर यूज बहुत बढ़िया, मतलब फर्टिलाइजर का जो यूज होता है बहुत अच्छे तरीके से होता है। पीएच लेवल जो होता है वो डिक्रीज होता है। तो 1 बिल्कुल करेक्ट है। पीएच लेवल जो है 7 होता है ना, 7, 1 से 7 जो है एल्कलाइन, 7 से ऊपर जाओ तो एसिडिक, ठीक है। तो 1 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। फिर एफिशिएंट एप्लीकेशन ऑफ रॉक फॉस्फेट एंड ऑल अदर फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर इज पॉसिबल, ये बिल्कुल गलत है, इट्स नॉट राइट, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। इंक्रीज्ड अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट इज पॉसिबल, ये भी न्यूट्रिएंट जो है अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट बढ़ जाती है। फर्टिलाइजर का बेस्ट यूज न्यूट्रिएंट्स के ही ये होता है, अगर आपने थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर पढ़ा होगा। रिडक्शन इन द लीचिंग ऑफ केमिकल न्यूट्रिएंट्स इज पॉसिबल, ये भी बिल्कुल सही बात है, ताकि सॉयल हटे ना, सॉयल रिटेन रहे। तो 1, 3 और 4 सी इज आंसर। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग मिनरल्स: बेंटोनाइट, क्रोमाइट, कियानाइट, सिलिमेनाइट। बहुत एग्रीकल्चर ने बता रहता ना, इस बार लगा दिया, वाट लगा दी कायदे से। तो इसमें से मेजर मिनरल कौन सा है? मेजर मिनरल भाई MMDR एक्ट से ये सवाल है। मेजर मिनरल की कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, लेकिन इसमें बेंटोनाइट को छोड़ के क्रोमाइट, कियानाइट, सिलिमेनाइट ये तीनों ही मेजर मिनरल में आते हैं, ठीक है। माइनर मिनरल्स कौन होते हैं? माइनर कौन होंगे? छोटे मोटे स्टोन्स, ग्रेवल्स, ऑर्डनरी क्ले, जिसका हम यूज नहीं करते हैं। तो क्रोमाइट, कियानाइट, सिलिमेनाइट दे आर कंसिडर्ड एज मेजर। अब ये तो भाई बिल्कुल ही छोड़ के आना, अगर आपको आता हो तभी करना, ऐसे मत करना। 92 ओके यार, कुछ सवाल जो है वो मिस हो गए हैं। एक काम करता हूँ, जो भी सवाल मिस हुए हैं उसको मैं बाद में कवर कर दूंगा, ठीक है। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, बाद में मतलब जब ये सेट खत्म होंगे तब मैं लास्ट में इसको कवर कर दूंगा। आई गेस 92 टोटल 5 और उधर 5, 10 सवाल मिस हुए हैं, तो कोई बात नहीं, मैं इसको कवर कर दूंगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 97 इसमें आपको, इसमें विच ऑफ द गिवन पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। तो ये हिस्ट्री का सवाल है। 97 भिलसा विदिशा में है, मतलब विदिशा को पहले भिलसा बोला जाता था, ये मध्य प्रदेश की शहर है, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट साइट रही है। तो पहला तो बिल्कुल सही है, फर्स्ट इज करेक्टली मैच्ड, तो ये बिल्कुल सही है। द्वार समुद्र महाराष्ट्र, द्वार समुद्र की अगर बात करें तो ये कर्नाटक में था, होयसाला एम्पायर की कैपिटल थी, तो ये गलत है। गिरीनगर गुजरात, ये बिल्कुल सही बात है। गिरीनगर जो है वो गुजरात का, ये गिरनार या गिरीनगर जो गुजरात में है, ठीक है। ग्रुप ऑफ माउंटेन्स इन द जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। देन थानेश्वर उत्तर प्रदेश, थानेश्वर जो है भाई थानेसर हरियाणा में है, तो ये भी गलत है। तो 1 और 3 इज द करेक्ट आंसर। अगर आप थोड़ा आज के शहरों से रिलेट करेंगे तो आप समझ जाओगे। स्टेटमेंट देखो, 36% ऑफ इंडियन डिस्ट्रिक्ट आर क्लासिफाइड एट ओवर एक्सप्लॉइटेड और क्रिटिकल बाय दी सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। भारत के 36% जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो ओवर एक्सप्लॉइटेड है, ऐसा CGWA बोल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी 1986 में बनी थी और इसमें 67 है, 36% नहीं 67% है, तो ये सही नहीं है, ठीक है। 67% जो है इट इज ओवर एक्सप्लॉइटेड, तो ये तो गलत हो गया। CGWA वॉज फॉर्म अंडर द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। CGW जो है ये बिल्कुल सही है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के ही तहत बनाई गई थी इसे। और इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर द ग्राउंड वाटर इरिगेशन इन द वर्ल्ड, ये बिल्कुल सही है। ये तो कई बार आपने सुना भी होगा, भारत अगर ग्राउंड वाटर इरिगेशन की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा एरिया है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे डेटा की बात हो रही है, 36% की बात हो रही है, तो ये आपको कंफ्यूज कर सकता है, ओके। लेकिन अगर सेकेंड और थर्ड, ये थर्ड तो थर्ड सबको पता रहेगा कि भाई भारत का लार्जेस्ट एरिया है ग्राउंड वाटर इरिगेशन इन द वर्ल्ड में, तो अब देखिए अगर थर्ड तो कॉमन है तो 2 और 3 हो सकता है और डी हो सकता है, तो 1 तो होगा नहीं, 2 नहीं होगा, तो बस आपको सेकंड और फर्स्ट, अब फर्स्ट और सेकंड में आपको प्रॉब्लम होगी। अब CGWA आर फॉर्म्ड अंडर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, बिल्कुल सही है, तो बी 2 और 3 इज द करेक्ट आंसर। 99 जेट स्ट्रीम अगर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ओनली, इट्स रॉन्ग। जेट स्ट्रीम फिर ओनली आ गया, अब ओनली बड़ा खतरनाक वर्ड है, ऐसा कुछ नहीं है। 1 इज नॉट करेक्ट क्योंकि जेट स्ट्रीम जो है दे आर वो स्ट्रॉन्ग विंड, अभी मैंने सर्कुलेशन के बारे में लेक्चर लिया था, तो ये वेस्ट टू ईस्ट जाते हैं, शिफ्ट होते रहते हैं ये नॉर्थ और साउथ में, तो इट्स नॉट, इट्स करेक्ट। ओनली वाई नहीं है, गलत है ये। फिर उसके बाद ओनली सम साइक्लोन्स डेवलप एन आई, ये बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे ओनली भाई, अब सारे ओनली वाले गलत नहीं होते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल सही बात है कि जो आई है ट्रॉपिकल साइक्लोन, वो सर्कुलर एरिया होता है भाई, प्रेशर की वजह से साइक्लोन बनता है और फिर उसके बाद जो है आसपास की हवाएं इसको ज्वाइन करती हैं, लेकिन ये वाला जो सेंटर पार्ट होता है उसको आई कहते हैं। यहाँ पे बिल्कुल शांति होती है, तो कुछ ही साइक्लोन में आई होती है, हर साइक्लोन में आई नहीं होती है, ओके। उसके बाद द टेम्परेचर इन साइड आई ऑफ अ साइक्लोन इज नियरली 10 डिग्री लेसर देन दैट ऑफ दी सराउंडिंग। भाई देखो ये भी गलत है। आई टेम्परेचर जो होता है, आई टेम्परेचर बेसिकली 2 डिग्री सेल्सियस तक होता है, 2 डिग्री सेल्सियस से लेसर होता है ना। 0 to सरफेस पे 0 to 2 डिग्री सेल्सियस तक ही होता है, तो ये भी गलत है, तो 2 only इज द करेक्ट आंसर। भाई ये बहुत क्लोज बता रहे हैं कि ये ऑप्शन जो होता है ना, पिछली बार का पेपर सबसे टफेस्ट आया था, काफी टफ था ये, है ना। अमंग द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व, आखिरी सवाल, विच वन हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर द क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट। ये सीधा सीधा सवाल है, सबसे बड़ा एरिया किसका है। कॉर्बेट का नहीं है, रथम्बोर का नहीं है, नागार्जुन श्रीसैलम का है। सबसे ज़्यादा एरिया 2500 स्क्वायर किलोमीटर का इसका एरिया है। सुंदरबन उसके बाद आता है, फिर रथम्बोर आता है और आखिर में कॉर्बेट आता है। तो दोस्तों ये पहला सेट खत्म हो गया, मतलब पहला पेपर खत्म हो गया। जो इसके क्वेश्चंस बचे हैं वो मैं लास्ट में करवा दूंगा, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। खुश नहीं पढ़ते रहिए, जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइन।